हेलो दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या वीडियो देखने वाले हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज हम देखेंगे कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। आप जानते हैं कि मोबाइल में हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, काफ़ी आसान होता है। उसके कुछ बटन्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, पर क्या आपको पता है कि हम हमारे मॉनिटर स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? बस आपको सही तरीके से पता नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि हम स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जिस जगह का मॉनिटर स्क्रीन पे आपको जो भी जगह चाहिए स्क्रीनशॉट के लिए, आपको वहां आ जाना है। जैसे एग्जांपल, मैं इस कार का सिर्फ इतना पोर्शन चाहता हूं, मुझे ये आइकॉन्स नहीं चाहिए, मुझे ये टास्क बार नहीं चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, एक बटन है आपके कीबोर्ड पर, आपको सिर्फ देखना है। इंसर्ट बटन के ऊपर आपको एक बटन दिखेगी, PRNTSCR, प्रिंट स्क्रीन उसे कहते हैं। आपको सिर्फ वो एक बार दबा देना है तो वो स्क्रीनशॉट का कॉपी कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब उसको अगर आपको कॉपी करना है, उसको अगर आपको पेस्ट करना है, सॉरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो टेक्निक है। एक तो आप पेंट एप्लीकेशन ओपन करेंगे जो आपको मिलता है यहाँ पर विंडो एक्सेसरीज में। ये है आपका पेंट एप्लीकेशन, इसे आप ओपन कर देंगे। आपको पेंट ओपन करने के बाद कंट्रोल वी बटन दबाकर चेक करना है कि वो कमांड कॉपी हुआ या नहीं। तो आपको सिंपली दबा देना है कंट्रोल वी, जिसे पेस्ट कमांड कहते हैं। आपको सिर्फ दबा देना है कंट्रोल वी। दोस्तों, आप नोटिस कर पा रहे हैं, सेम डेस्कटॉप देखिए, पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ चुका है। आपको सिर्फ जितना पोर्शन चाहिए उतना आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आपको यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करना है, इस जगह पर, और जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना आपको सिलेक्ट करना है और सिंपली आपको यहाँ क्रॉप पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका उतना ही एरिया सिलेक्ट हो गया है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट को सेव कर सकते हैं। आपको सिर्फ बंद कर देना है, इसे सेव कर देंगे, आपको लोकेशन पूछेगा। तो आप फिलहाल टेस्टिंग के लिए आप डेस्कटॉप पर क्लिक करके सेव करिए। आप देखेंगे कि एक फाइल यहाँ पर जमा हो चुकी है। ओपन करके आप देख सकते हैं कि ये उतना ही स्क्रीनशॉट सिलेक्ट हुआ है, सेव हुआ है, जितना हमने उसे कहा था। ये हो गया एक टेक्निक। दूसरा एक टेक्निक है कि सेम टू सेम कमांड, चलो हम कोई और एरिया लेते हैं, डिस पीसी को ओपन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इतना पोर्शन सिलेक्ट हो, ठीक है, इतना पोर्शन। आप यहाँ भी सेम कमांड दबा दीजिए, प्रिंट स्क्रीन, ऐसे। और आपको अब यहाँ पर ओपन करना है पावर पॉइंट, स्टार्ट दबाएंगे और आपको पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। जैसे आपने पावर पॉइंट को ओपन किया, आपको सेम टू सेम कमांड दबाना है कंट्रोल वी। आप नोटिस करेंगे वही सेम इमेज यहाँ पर भी आ चुकी है। अब यहाँ तो आप क्रॉप करना जानते ही हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है और जितना आपको एरिया चाहिए आप उतना ही एरिया यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो आप प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया, हम प्रिंट स्क्रीन कमांड से दो तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ एक और एक शॉर्टकट, जिससे आप प्रिंट स्क्रीन को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं बिना किसी पेंट एप्लीकेशन को ओपन किए, बिना पावर पॉइंट को ओपन किए। आइए देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ये आपके सामने एक इमेज है मॉनिटर पर, आपको इसका सिर्फ कार वाला पोर्शन ही प्रिंट स्क्रीन कर देना है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, अब ध्यान से देखिए। इसके पहले हमने सीखा था कि प्रिंट स्क्रीन बटन दबाने से कॉपी कमांड एक्टिव होता है, लेकिन अगर आप प्रिंट स्क्रीन के साथ में विंडो कमांड दबाएं, मतलब विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएं, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है स्क्रीनशॉट फोल्डर में। मैं दबा रहा हूँ विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर एक ब्लिंक होगा, आपके सामने ब्लिंक होगा, इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिक सेव हो चुका है, पर आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस पीसी में। आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर नाम का एक फोल्डर होगा। अगर आपको यहाँ इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आपको दिस पीसी पे क्लिक कर देना है। आप नोटिस करेंगे आपके सामने एक पिक्चर नाम का फोल्डर होगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट, इसको यहाँ से आप ओपन करेंगे, ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको इसे क्रॉप करना है तो सिंपली आप राइट क्लिक करके एडिट पर क्लिक करेंगे, ये इमेज पेंट एप्लीकेशन में खुल चुका है। अब आप इसे मनचाहे तरीके से एडिट कर सकते हैं। जैसे मुझे इतना ही पोर्शन चाहिए, तो आपको सिखाया था कैसे क्रॉप करते हैं, सिंपली क्रॉप पे क्लिक कर देंगे,
सेव कर देंगे, आप देखेंगे कि अब सिर्फ उतना ही पोर्शन सिलेक्ट हुआ है। ये देखिए, आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आया। काफ़ी आसान तरीका है और ऐसे ही आप बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट्स को ले सकते हैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों को भी ये टेक्निक बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।